जो हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन, और उसमें भी टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, और हम सॉल्व कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सो ए बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग एंड थ्रोज ए बॉल विच जस्ट पासेस थ्रू ए विंडो 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड। सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। तो बच्चों, क्वेश्चन की फिजिकल सिचुएशन ये है कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से 39.2 मीटर दूरी से एक बॉय एक बॉल को थ्रो करता है, और ये बॉल एक बिल्डिंग की विंडो जो कि अर्थ से 19.6 मीटर ऊपर है से जस्ट पास होती है। तो बच्चों, हमें ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिस वेलोसिटी से ये बॉय बॉल को थ्रो करता है। तो बच्चों, ये जो बॉल है जस्ट इस विंडो को पास कर रही है, तो बच्चों द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल दैट इज द 19.6 मीटर। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद बॉल दूसरी तरफ भी 39.2 मीटर की दूरी पर जाके प्लेन से टकराएगी। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम हाइट पर बच्चों जो रेंज होगी वो आधी होगी, यानी R/2 होगी। तो बच्चों, जहां पर जो आपकी रेंज R दैट इक्वल टू 39.2 प्लस 39.2 दैट इक्वल टू 78.4 मीटर है, और बच्चों जो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल दैट इज द 19.6 मीटर। तो बच्चों, रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बच्चों आपका रेंज का फॉर्मूला है, और बच्चों मैक्सिमम हाइट इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, सो दैट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चों ध्यान से देखिए, रेंज की वैल्यू मुझे पता है और मुझे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और मैं यहाँ से रेंज और मैक्सिमम हाइट से बच्चों ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बच्चों, रेंज को लिख सकते हैं हम आर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। सो लेट इट बी योर फर्स्ट इक्वेशन एंड इट बी योर सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट अपॉन सेकेंड वी कैन राइट आर अपॉन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, सो दैट इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन जी अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, दिस आर अपॉन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, सो दैट इक्वल टू 4 अपॉन 10 थीटा। बच्चों आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, सो फ्रॉम हेयर दिस आर इक्वल टू 78.4 एंड मैक्सिमम हाइट दैट इज द 19.6 दैट इक्वल टू 4 अपॉन 10 थीटा। सो फ्रॉम हेयर 10 थीटा इक्वल टू 4 into 19.6 upon 78.4, और बच्चों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, सो दैट इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हेयर 10 थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों जहां से जो थीटा की वैल्यू होगी वो आपकी 45 डिग्री होगी।
तो बच्चों हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर लिया है, रेंज की वैल्यू मुझे पता है, हमें यहाँ पर यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, बच्चों आर की वैल्यू पुट करते हैं हम, दैट इज द 78.4 दैट इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 sin 45। बच्चों मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, दैट इज द 1/√2 cos 45, दैट इज 1/√2 upon g। सो फ्रॉम हेयर 78.4 दैट इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और बच्चों जी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की 9.8। सो फ्रॉम हेयर यू स्क्वायर दैट इक्वल टू 78.4 into 9.8। तो बच्चों जहाँ से हम यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इक्वल टू √78.4 into 9.8। बच्चों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सो दिस यू इक्वल टू दैट इज द 27.72 meter per second। बच्चों ये आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। ओके बच्चों।